नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शनि यदि आपका दूसरे घर में बैठा है, यानी कि धन स्थान पर बैठा है, तो क्या क्या फायदे देता है और क्या क्या नुकसान देता है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी इच्छा है, ऐसी भावना है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम आपको बताते हैं, शनि यदि आपका दूसरे भाव यानी धन स्थान पर बैठा है तो क्या फायदा देता है और क्या नुकसान देता है, दोनों बातें। तो फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यह देता है कि शनि जो है आपको धनवान बनाता है। धनवान मनजे पैसे का कभी ऐसे व्यक्ति के सामने अभाव नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति कड़क बोलता है, सच बोलता है, कड़वा जरूर बोलता है, लेकिन सत्यता होती है। भले ही ऐसे कड़वे बोलने से उस व्यक्ति के संबंध लोगों से खराब जरूर हो जाया करते हैं, लेकिन वो जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। ना तो उसे झूठ पसंद होता है और ना ही ऐसा व्यक्ति झूठ बोलना पसंद करता है। दूसरी चीज, धन का आवागमन हमेशा बना रहता है। वो धन आवागमन के एक नहीं सैकड़ों रास्ते होते हैं ऐसे व्यक्ति के, जिसका शनि धन स्थान पर बैठा होता है, धन में वृद्धि देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही शनि मेष राशि का हो तो भी फायदा देता है, और अगर तुला राशि का है तो फिर पूछो नहीं, उस व्यक्ति की तो बल्ले बल्ले। ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन का अभाव नहीं रहा करता। लेकिन यही शनि धन पैसा खूब देता है, लेकिन सुख का अभाव कर देता है। माँ का सुख, पिता का सुख इससे वंचित करता है, खासकर माता के सुख से वंचित करता है। दूसरी बात, भूमि भवन वाहन इनसे भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके पास प्रॉपर्टी तो बहुत होगी, लेकिन हमेशा विवाद में घिरी होने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ जो है उसमें विवाद बना रहेगा। धन स्थान पर बैठा हुआ शनि आपको अल्पायु योग भी देता है, दुर्घटना योग देता है, धन की कमी नहीं होने देता, लेकिन समय समय पर अगर आप सावधानी से कार्य ना करें तो समस्या खड़ी करता है। आय के आपके जितने भी स्रोत हैं उनको मिटाने की कोशिश करता है। समझो, आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस करते हैं, और आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कभी जीवन में आपने रिश्वत भी नहीं ली, लेकिन ऐसा व्यक्ति को भी शनि द्वितीय भाव में होने के कारण फंसा देता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका शनि द्वितीय स्थान पर है, वो यदि कोई गलत काम करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो है नुकसान की परिस्थिति जब शनि बनाता है, तो वो ऐसा नुकसान देता है कि जो असहनीय हो जाता है। तो इन असहनीय नुकसानों से बचने के लिए उपाय बताने जा रहा हूं, उसको करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहली चीज, अपनी मध्यमा उंगली में एक लोहे का अंगूठी शनि की या छल्ला पहनो, जो आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। कभी कभी उसमें गैप हो जाता है, गैप नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एक कटोरी में तेल ले, जो उस कटोरी में नीचे धरातल पे भरा हुआ हो, उस तेल को देखें, उसमें अपना चेहरा देखें, और शनिवार को किसी जोशी को दान कर दें, या जोशी ना मिलता हो तो ऐसी स्थिति में जो है किसी स्थान पर छोड़ आए उस तेल को, पीपल के पेड़ पर चाहे तो भी आप चढ़ा सकते हैं।
ऐसा करने मात्र से भी आपका ये जो दोष है, जो क्रूर दृष्टि है शनि की, वो शांत होती है और साथ ही साथ आपको हानियां नहीं हुआ करती। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे। धन्यवाद।